मूवी की स्टार्टिंग में हम एमी नाम की लड़की को देखते हैं। एमी एक यूनिवर्सिटी में थी, वहाँ पर एक पोएट को सुनती है। वहाँ एक जॉश नाम का लड़का था जो एमी का बॉयफ्रेंड है। क्लासेस के बाद वो दोनों रूम में मिलते हैं। वो दोनों इंटीमेट होने लग गए तभी एमी को आवाज़ आई। वहाँ जॉश का फ्रेंड कैमरा के साथ बाहर निकलता है। ये देखने के बाद एमी वहाँ से चली जाती है। उन दोनों का झगड़ा हो गया था और जाते वक्त जॉश एमी के पोएम का मजाक उड़ाता है। एमी पोएट बनने के लिए बहुत ही सीरियस थी। रास्ते में उसे एक बुक मिलती है जो उसके फेवरेट पोएट की थी। उसका नाम था रैड बिलिंग्स। हम देख पाते कि एमी को हमेशा से पोएट बनना था। नेक्स्ट सीन में एमी घर पर थी, उसकी मॉम उसे खाना देती है। एमी ने अपने मॉम को बताया कि वो पोएट बनना चाहती है। इसी बीच वहां पर उसके डैड आते हैं। एमी ने इसके बारे में उनसे बात की। डैड इस चीज के लिए सख्त मना कर देते हैं। वो फिर अपने डैड के साथ कार में थी। डैड उसे कहते हैं कि हमारे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है कि हम तुम्हें पोएट बना सके। उन पर ऑलरेडी लोन था जो एमी को पढ़ाने के लिए डैड ने लिया हुआ था। अब लोन के बाद उनके पास कोई भी पैसे नहीं है। ये सब जानने के बाद भी एमी ने ठान ली थी कि वो पोएट बनकर ही रहेगी। नेक्स्ट सीन में हम उसे अलग अलग जॉब पर अप्लाई करते हुए देखते हैं ताकि वो खुद का खर्चा उठा सके। उसने एक छोटी सी शॉप देखी जहाँ पर जॉब के लिए एक पोस्टर लगा था। इस पोस्टर को लेकर वो अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद उसे पता चलता है कि एक एडल्ट शॉप है। इसके बाद वो वहाँ से बाहर आ गई। वहाँ के मैनेजर ने उसे देख लिया था और उसे रोक लेती है। एमी उसे कहती कि मैं यहाँ पर गलती से आ गई थी, पर मैनेजर ने उसके हाथ में पोस्टर देखा है। उसके पास आकर कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें जॉब चाहिए। एमी उसे मना कर वहाँ से चली जाती है। इस शॉप का नाम एडल्ट वर्ल्ड था, यही हमारे मूवी का टाइटल है। उसे कहीं पर भी जॉब नहीं मिल रहा था, उसके पास कोई रास्ता नहीं था, तो फिर से एडल्ट वर्ल्ड में वापस आती है। वहाँ के मैनेजर से उसने बात की। मैनेजर ओनर से बात करता है। एमी यहाँ पर जरा डरी हुई थी। वो कहती है कि मेरे फ्रेंड्स को पता है कि मैं यहाँ पर जॉब अप्लाई करने के लिए आई हुई हूँ। ये बात वो अपने प्रोटेक्शन के लिए कह रही थी। ओनर उसे अपने पास बुलाता है। एक्चुअल में ओनर एक ओल्ड मैन था। उसे उसके जॉब एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है। एमी कहती है कि मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। थोड़ी सी बात करने के बाद उसका काम बन जाता है और उसे फाइनली जॉब मिल जाती है। वो बहुत ही खुश थी। यहाँ पर उसे दो वर्कर्स मिलते हैं जिनका नाम एलेक्स और रिक था। अपने जॉब की बात वो अपनी मॉम को बताती है और ये सुनकर वो बहुत ही खुश थी। अब वो पहले दिन उसके जॉब पर गए जहाँ पर एलेक्स उसे सब कुछ समझाता है कि कस्टमर से कैसे बात करनी है, कौन सी चीज़ें कहाँ पर मिलेगी। इसके बाद एमी अपने फेवरेट पोएट राइटर रैड बिलिंग से मिलने के लिए जाती है। वो एक जगह पर रीडिंग के लिए आए थे। वो भागते भागते वहाँ पर गए पर उसे ज़रा लेट हो गया था। वहाँ पर एक बहुत बड़ी लाइन थी। वो बिना लाइन के ही अंदर जा रही थी तो वहाँ एक आदमी से उसका झगड़ा हो जाता है। वो रैड से मिलती पर उनकी रीडिंग खत्म हो चुकी थी। वो अपने कार के पास आए। एमी उनके पास आती है और कहती कि आप मेरे फेवरेट पोएट हो, मैं आपकी सारी बुक्स पढ़ती हूँ। उनसे बात करने के बाद वो उनसे एडवाइस मांगती है और कॉफ़ी पीने के लिए पूछती है। रैड एक बहुत ही बड़े पोएट थे और इस वजह से मना कर देते और वहाँ से वो चले गए। जब वो इस सब में बिजी थी तो एमी की कार चोरी हो जाती है। जल्दी जल्दी में अपने कार को ओपन ही छोड़ कर गई थी। इस चीज़ की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। नेक्स्ट जो अपने जॉब पर गए, वहाँ एक आदमी उसे देखकर उसे पूछता है कि क्या इस जॉब के लिए तुम्हारी एज कंप्लीट है। वो कहती है कि मैं भी एक एडल्ट हूँ, मैं मेरे डिसीजन ले सकती हूँ। वो आदमी पुलिस में था जो वहाँ पर वीडियोस बाय करने के लिए आया हुआ था। उसके जाने के बाद वो एलेक्स से पूछती है। वो कहती है कि ये तो एक पुलिस ऑफिसर है, फिर भी वो ऐसी वीडियोस क्यों बाय कर रहा है। एलेक्स कहता है कि अब उसकी वाइफ इस वर्ल्ड में नहीं है, स्काई डाइविंग कर रही थी और तभी उसकी डेथ हो गई। आज एमी की बाथरूम साफ करने की ड्यूटी थी और इस वजह से यहीं पर रुकती है। बाथरूम साफ करते उसे एक ट्रांसजेंडर दिखी। वो बाहर आकर उसे मिलती है। उसका नाम रूबिया था। वहाँ रिकी भी उसके साथ था। एमी ने रिकी को बताया कि मेरी कार चोरी हो गई है, आज उसे बस से जाना पड़ेगा, पर बस के स्केड्यूल के बारे में उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। रिकी उसे कहता है कि रूबिया भी तुम्हारे घर के पास ही रहती है तो तुम्हें रास्ते में छोड़ सकती है। एमी को ये बात बहुत अच्छी लगी। रूबिया के चेहरे को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि इस बात से वो खुश है। इसके बाद वो दोनों बस में जाते हैं। रूबिया का स्टॉप आ जाता है और उतर जाती है। एमी उसे उसका पाउडर देती है जो बस में भूल गई थी। वो फिर घर पर आई और वहाँ पर उसके डैड उस पर बहुत गुस्सा थे क्योंकि कार चोरी हो गई थी। कार चोरी होने से पहले ही एमी ने अपना इंश्योरेंस कैंसिल कर दिया था क्योंकि उसे अपने पोएट्री क्लास के लिए फीस भरनी थी। डैड उसे कहते कि इस तरीके से बच्चों की तरह तुम बिहेव नहीं कर सकती। वो कहती कि मैं कोई भी बच्ची नहीं हूँ, मेरा डिसीजन मैं ले सकती हूँ। गुस्से में एमी घर छोड़कर निकल जाती है। वो बस में बैठी। लास्ट स्टॉप आने के बाद वो बस के ड्राइवर को रूबिया के घर तक उसे छोड़ने के लिए कहती है। इस टाइम उसे रूबिया के अलावा कोई भी याद नहीं आया। ड्राइवर ने उसे उतार दिया। इसके बाद वो रूबिया के घर आकर उसे आवाज़ दे दी। उसने रूबिया को अपनी सारी सिचुएशन समझाई। रूबिया फिर उसे अपने घर रहने देती है।
वो दोनों बातें करते हैं और रूबी उसे बहुत हंसाती है। नेक्स्ट डे जॉब पर जाते वक्त एमी अपनी पुरानी फ्रेंड से मिलती है जो प्रोटेस्ट कर रही थी, उसे मिलकर अपने जॉब पर गई। वो फिर एलेक्स से बात करती है। नेक्स्ट सीन में हम उसे रूबी के साथ देखते हैं, वो जा रही थी तभी उसे रास्ते में रैट बिलिंग्स दिखे। उन्हें देखकर एमी उछलने कूदने लग गए पर उनसे बात करवाती इससे पहले वो वहां से चले जाते हैं। इसके बाद रूबिया अपने साइकिल पर उनका पीछा कर दिया। एमी भी पीछे ही बैठी हुई थी, वो जल्दी से उनके घर पर आ गई। रैड अंदर जाने ही वाले थे तभी उन्हें रोक लेती है। वो उससे पूछते कि तुम्हें मेरा घर कैसे मिला। वो कहती कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको देखा था और मैं आपका पीछा करते करते यहाँ पर आ गई। वो कहती कि प्लीज एक बार आप मेरी पोएट्री सुन लो। रैड उसे कहते कि मैं बाद में सुनूंगा और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में एमी जब जॉब पर जाती है तो वहाँ वो रूबिया उसे कहती है तुम्हें दूसरा रूम ढूंढ लेना चाहिए क्योंकि उसके होने से उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो गई है। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर एक रूम ढूंढती है। इसके बाद वो रैट से मिलने के लिए गए। वो बेल बजाती है पर रैट उसे फिर से देखकर चिढ़ गए थे। वो उनके लिए गिफ्ट भी लाई थी इसलिए उसे ज़्यादा कुछ भी बोलते नहीं और अंदर बुला लेते हैं। वो अपनी पोएट्री भी साथ में लाई थी ताकि रैट उसे पढ़ सके। एमी उन्हें उस पोएट्री पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट कर दिया। रैट पूछते हैं कि तुम्हें पोएट क्यों बनना है। एमी कहती कि लाइफ में बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं, उनके लिए पोएट्री लिखना चाहती है। रैट ने पूछा कि तुमने मुझे ही क्यों चूज किया। वो कहती कि मुझे आपकी पोएट्री बहुत पसंद है, आप बहुत ही स्मार्ट हो, अपने आप का काम बहुत ही ऑनेस्टली किया है। अब वो उन्हें ऑफर करती है कि आप अकेली रहते हो तो आपकी सारी चीज़ें मैं ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ, वो घर का सारा काम कर देगी जो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। रैट ये बात सुनकर मना नहीं करते। नेक्स्ट डे उनके घर पर आए और सब कुछ काम करती है। काम करने के बाद वो जॉब करने के लिए गए जहाँ पर वो राइट करने लग गए। वो अपनी पोएट्री पढ़ती है और ये देखकर एलेक्स उसे पूछता है कि तुम ये कर क्या रही हो। वो कहती कि मैं अपनी पोएट्री लिख रही हूँ। उसे ये भी बताती है कि मुझे दूसरी नौकरी मिल गई है। उसे पूछता है कि क्या अब तुम यहाँ का काम छोड़ दोगे। वो कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर उसे नौकरी करनी पड़ेगी क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है। वो बताती है कि वो रैट बिलिंग्स की काइंड ऑफ असिस्टेंट बन चुकी है। रैट को पैसों पर बिलीव नहीं है और इस वजह से उसे पे नहीं करने वाले पर सारी चीज़ें सिखाने वाले हैं। एलेक्स से बात करने के बाद वो रैट के साथ एक जगह पर गए। वहाँ पर बहुत सारे फैंस थे। रैट के हाथों में एक पोएट्री की बुक थी। उस पोएट्री को किसी को पढ़ने के लिए कहते हैं या एमी अपना हाथ खड़ा कर देती है। पोएट्री पढ़ती है और इसी बीच एक लड़की ने उससे कहा कि पोएट्री बहुत ही सैड पर्सन की है, तुम्हें एज अ कैरेक्टर पढ़ना चाहिए, उसमें सैडनेस फील होना चाहिए। इस बात की वजह से सब लोग एमी का मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अपना ज़्यादातर टाइम राइटिंग में ही बिताती है। एक दिन वो और उसके फ्रेंड्स मिलकर पार्टी करते हैं, ड्रिंक करते हैं। ये एलेक्स किसी दूसरी लड़की के साथ आया था, वो एमी की फ्रेंड थी। वो एलेक्स से कुछ ज़्यादा ही चिपक रही थी। एमी अपने रूम में जाकर फिर राइटिंग करने लग गई। राइटिंग करते हुए उसने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी। ड्रंक होकर वो सीधा रैट के घर जाती है। वहाँ पहुंचकर उसने बहुत बदतमीजी की। वो रैट को सीड्यूस करने की कोशिश करती है पर उसे भाव नहीं देते और वहाँ से निकाल देते हैं। इसके बाद वो अपनी पोएट्री सुनाने लग गए तभी टेबल पर ही वो वोमिट कर देती है। नेक्स्ट डे हम उसे उसके जॉब पर देखते हैं और रियलाइज़ होता है कि कल रात उसने क्या किया था। उसके शॉप पर मैगी नाम की एक लड़की आई जो मिडिल स्कूल की उसकी फ्रेंड थी। एमी उसे देखकर अपना मुंह छुपा लेती है पर उसने उसे पहचान लिया। उसे कहती कि तुम्हें तो एक फेमस पोएट बनना था, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उसे उल्टी सीधी बात करने लग गई और एमी को भी इस पर गुस्सा आ जाता है और वो भी उसे बोल देती है। इसके बाद वो डायरेक्टली रैट के घर पर जाती है। रैट उसे कहता है कि मैं तुमसे मिल नहीं सकता। एमी ने अंदर आकर उसे माफ़ी मांगी। उसे उसके पोएट्री के बारे में पूछती है। थोड़ा भाव खाने के बाद रैट उसे बता देता है कि तुम्हारी पोएट्री अच्छी है। उसे न्यूयॉर्क में एक एंथोलॉजी पर काम करने का ऑफर देता है। ये सुनने के बाद वो खुशी से उछलने लगती है। वो कहती कि फाइनली मैं सक्सीड हो चुकी हूँ। इसके बाद वो वहाँ से जाते हुए बार बार उसे 50 बार थैंक यू कहती है। रात में अपनी शॉप पर वो राइट कर रही थी तभी वहाँ पर एक चोर आता है। उसका उस पर ध्यान नहीं था और वो चोरी कर वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वो एलेक्स से टकरा गया। एलेक्स अंदर आने के बाद एमी से कहता है कि यहाँ पर एक चोर आया था, तुम कर क्या रही थी। उसे बताती कि वो राइटिंग कर रही थी। एलेक्स उस पर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। उसने कहा कि तुम बहुत ही लकी हो कि अब भी तुम्हारे पास जॉब है, अगर मेरी जगह कोई और होता तो तुम्हें फायर कर देता। तुम हमेशा अपनी मर्जी की करती हो और हम कुछ बोलते नहीं और इसी बात का तुम फायदा उठा रही हो। एमी उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि ये जॉब मेरा करियर नहीं है, एक बहुत ही बेकार सी दुकान है। एलेक्स इस बात पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि किस तरीके से इसके ओनर ने इस जगह को रहने लायक बनाया है। उसने कहा कि तुम जाकर कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लो। एमी कहती कि कोई बात नहीं है, वैसे भी मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिलने वाले हैं और फिर मुझे यहाँ पर जॉब नहीं करनी पड़ेगी। वो भी उसे बहुत सारी बातें कहकर वहाँ से चली जाती है। अपने घर आकर वो बहुत ही सैड थी।
उसके बाद जॉब ने तो फिर से रात में जाकर रैट के घर पर वो काम करती है। नेक्स्ट डे रूबिया के पास जाकर बैठती है, उसे कहती है कि उसे फिर से जॉब चाहिए। रूबिया कहती कि मुझे पता है कि तुम एलेक्स को पसंद करती हो। एमी ने पूछा कि ये बात तुम्हें कैसे पता। रूबिया कहती कि तुम हमेशा दिन भर एलेक्स 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 ही करती रहती हो। रूबिया से बात करने के बाद एमी फिर से एलेक्स के शॉप पर जाती है और उसे सॉरी कहती है। एलेक्स उसे नाराज था, इस वजह से उसे बात नहीं करता। उससे मनाने लग गए और कहती है कि उसे फिर से ये जॉब चाहिए। एलेक्स ने पूछा कि तुम्हें फिर से क्यों चाहिए। वो कहती कि मैं अपनी गलतियां सुधारना चाहती हूँ। एलेक्स उसकी बात मानकर उसे जॉब फिर से वापस दे देता है। इसके बाद एमी अपनी मॉम से मिलती है। उसकी मॉम उसे बताती है कि हम दोनों तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं, स्पेशली तुम्हारे डैड, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मॉम ने कहा कि इस बार का तुम्हारा बर्थडे हम साथ में मनाएंगे, वो अपने हाथों से केक बनाएगी। एमी कहती कि मुझे चीज़ केक चाहिए। मॉम इस पर हाँ कहती है। उन दोनों में सब कुछ ठीक हो जाता है। नेक्स्ट दिन में वो बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, जहाँ रूबिया और एलेक्स भी आते हैं। सेलिब्रेशन में रैड भी आया था, उसके साथ ही एक फ्रेंड भी आती है जो एमी को देखकर खुश थे। एलेक्स ने एमी को गिफ्ट दिया जो बिगिनर्स राइटर के लिए था। ये देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। वो रैड से मिलने के लिए जाती है पर वहां से वो चला गया था, एमी के लिए एक गिफ्ट छोड़कर गया था। एमी उस गिफ्ट को देखकर एक्साइटेड हो जाती है। जब वो ओपन करती है तो उसमें एक बुक थी जो रैड की न्यू बुक थी। उसका नाम था शिट पोएट्री एंथोलॉजी ऑफ बैड वर्सेस। इस बुक में एमी की भी पोएट्री लिखी हुई थी। ये देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और डायरेक्टली रैट के घर पर जाती है। उसे जाकर बहुत गालियाँ देती है। वो कहती है कि तुमने मेरी पोएट्री इतनी गंदी बुक में क्यों लिखी। उसकी बुक उस पर ही फेंक देती है और इसके साथ उसके गिटार को भी उसने तोड़ दिया। इसी बीच उसके पीछे पीछे एलेक्स भी आता है। एलेक्स उसे वहाँ से लेकर जाता है। एमी अभी अपने घर से निकल जाना चाहती थी, इसलिए एलेक्स उसे अपने घर लेकर गया। वहाँ पर उसने एलेक्स ने बनाया हुआ आर्ट देखा। उसे देखकर कहती है कि अगर वो किसी को ये दिखा तो बहुत फेमस हो सकता है। एलेक्स कहता है कि उसने ये सब फेमस होने के लिए नहीं बनाया, उसे सिर्फ बहुत ही अच्छा लगता है, उसे सिर्फ ये बनाने का शौक है, इस वजह से वो कर रहा है। एलेक्स के साथ वो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती है, बाद में अपने रूम में चली जाती है। उसने एक प्लास्टिक बैग से सुसाइड करने की भी कोशिश की पर यह सब करते हुए रुक गए। नेक्स्ट डे रैट के पास जाती है और उससे एक समझौता कर लेती है। इसके बाद नेक्स्ट दिन में वो एलेक्स के साथ घर पर थी। वहाँ पर उसने अपनी पेंटिंग्स देखी जो एलेक्स ने बनाई थी। इसके बाद वो दोनों किस करते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद उसके पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी पोएट्री किसी ने पोस्ट की थी और अब पब्लिशिंग हाउस उसे पब्लिश करने वाला है। इसके लिए उसे कुछ पैसे भी मिलते हैं। ये सुनकर वो बहुत ही खुश हो गए। एलेक्स को भी उसके लिए बहुत अच्छा लगता है और दोनों मिलकर सेलिब्रेशन करते हैं। एलेक्स उसे कहता है कि अब मैं उस शॉप पर काम नहीं करूँगा। ये सुनकर एमी को अच्छा लगा। वो एमी से कहता है कि तुम्हें अपनी राइटिंग को छोड़ना नहीं चाहिए। एमी ने इस बात से एग्री किया। इसके बाद हम एमी को राइटिंग करता हुआ देखते हैं। वो फिर शीट पोएट्री भी पढ़ती है और उसे पढ़कर बहुत हंसती है। अपने सक्सेस और फेलियर दोनों को उसने एक्सेप्ट कर लिया था। इसी के साथ उसे प्यार भी मिल चुका था। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारे मूवीज लेकर आते रहता हूं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन देने मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे और एक न्यू मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।